ई नजारा उत्तराखंड, हिमाचल, महाराष्ट्र, सिक्किम कहियो का नहीं है, ई नजारा है बिहार का भैया। रोहतास का नाम सुने हैं? नहीं सुने तो हम बताते हैं, ई वाटरफॉल तक पहुंचाते हैं। तो कुर्सी का पेटी बांध लीजिए या दोनों अखवा फोनों पे गरा लीजिए। तो चलिए शुरू से बताते हैं, फुल जर्नी दिखाते हैं। बिहार का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल हम आपको लेके आए हैं। हे गाइस, कैसे आप लोग फिर से बिहार तो हे गाइस कैसे आप लोग बिहार के एक फिर से नए वीडियो तो हे गाइस कैसे आप लोग फिर से तो हे गाइस कैसे आप लोग फिर से एक बिहार के नए वीडियो में आपका स्वागत है। और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है ये ब्लॉग, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं इस ब्लॉग में पटना से तुतला भवानी मंदिर एंड तुतला भवानी वाटरफॉल कैसे जाना है और कहाँ है, क्या है, कैसा दिखता है तुतला भवानी वाटरफॉल, ये सारा कुछ बताने वाले हैं भाई। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है और बहुत ही ज़्यादा हम एक्साइटेड हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बाकी काम 25 करते हैं। तो गाइस, मैं निकल चुका हूँ पटना के गांधी मैदान से सासाराम के लिए। अभी फिलहाल गांधी मैदान बस स्टैंड हूँ और किसी को छोड़ने आया था दोस्त को, एंड अभी बज रहे हैं 5:30 बजे। तो जल्दी से जल्दी पहुँचना है क्योंकि 170 किलोमीटर है एंड बहुत मतलब क्या ही होने वाला है, बिल्कुल भी मुझे 1% भी अंदाज़ा नहीं है कि क्या होगा। और यहाँ देखो CNG बस है, काफ़ी निकलती है। और बारिश तो कहो मत पूछो मत कि गजब जोर जोर से हुआ कि क्या ही बोले। बट चलो, यहाँ सामने देखो इलेक्ट्रिक बस जा रही है। तो भाई सासाराम एंड कैमूर के लिए चाची जाइए रखा, ये देखिए यही देखिए, मतलब यही सब है ना, क्या ही बताए। तो भाई बता रहा था कि सासाराम एंड कैमूर के लिए निकल रहा हूँ एंड 2 से 3 दिन, आई थिंक मुझे लगता है 3 दिन लग जाएगा। तो बट अब सीधे निकलना है हमें, बाईपास पकड़ के सीधे मतलब चलते रहना है, कहीं रुकना नहीं है। 1 से 2 जगह रुकेंगे बिल्कुल भी। 10 बजे तक का टारगेट रखे हैं और 10 बजे कैसे भी हमें पहुंचना है। बहुत कुछ देखने को मिलेगा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इस रूट के बारे में कि क्या मुझे दिखने वाला है एंड मैं क्या फेस करने वाला हूँ। बट कसम से बता रहा हूँ, जो भी होगा इंटरेस्टिंग होगा। मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि भाई सोलो निकल चुके हैं अपन, कोई भी नहीं है साथ में मेरे आगे पीछे एंड सीधे अकेले, मतलब रिक्स फुल रिक्स कवर कर रहे हैं। एंड बाइक भी बहुत अच्छी नहीं है, घर से लाने वाला था अपनी वाली धनो, बट प्रॉब्लम था मतलब उतना दूर, फिर 300 किलोमीटर मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम था लाना, घर का प्रॉब्लम समझ ही रहे हो। भैया हैं उन्हीं का बाइक मैंने लिया है एंड अभी पहुंच गए हैं भाई, देख लो मीठापुर बस स्टैंड। एंड यहाँ कभी टाइम हुआ करती थी कि भाई कितनी सारी बसें होती थी, अभी वीरान पड़ा हुआ है। एक चीज़ आपको हम बता देते हैं भैया कि पटना में हेलमेट वेलमेट के बिना अगर घूम रहे ना, इतना कैमरा लगा, 3600 कैमरा लगा भाई, समझ रहे हैं, पूरा एकदम गर्दा छुड़ा देगा, घर पहुंच जाएगा पर्चा। पटना शहर से जैसे ही हाईवे से निकल के स्पीड बढ़ाने का सोच ही रहे होते हैं कि ई बकलोलवा मेरा रोहतास ट्रिप कैंसिल करवाने के फेर में रहता है। लेकिन हम भी साइड से लहरिया मार के रास्ता नाप लेते हैं। रास्ते में कोनो चीज का तकलीफ ना था, बस एगो चिड़वा 100 किलोमीटर तक तकलीफ दिया। टड़कवा वाला कोनो गाड़ी के साइडे ना दिस भाई, अब एगो दूगो होता है तो समझ आता है, यहाँ तो पूरा रोडे पे ट्रक बिछा था, फिर भी हम 9 बजे तक पहुँच जाते हैं डेरी ऑन सोन। तो गाइस, नसरीगंज बाजार पे चाय पिए हैं एंड लगभग 25 किलोमीटर यहाँ से डेरी ऑनसन है, उसके बाद वहाँ से फिर 22 किलोमीटर तुतला भवानी वाटरफॉल है, तो वहाँ जाएंगे, माता के स्थान जाएंगे और देखते हैं और क्या क्या आपको दिखा सकते हैं, क्या क्या आपके लिए चैलेंजिंग होगा। तो गाइस, मैं पहली बार आया हूँ इस रूट में एंड पहुँच गया हूँ डेरी ऑनसन। तो मेरे साथ ये हुआ कि ये जो आपको दिख रहा है, ये ब्रिज दिखा रहा है कि ओपन है, बट ओपन नहीं है, डायरेक्ट दिखा रहा था रोड मैप में, बट मुझे नीचे उतरना पड़ा एंड वापस से इधर से 5-6 किलोमीटर घूम के स्टेशन होके, डेरी ऑन सोन जो स्टेशन है वो होके जाना पड़ेगा। मैं तो आपको एक चीज़ कहूँगा कि आप 100% जो है सो मैप में आप बिल्कुल भी भरोसा ना करें भाई, कभी कभी इतना गंदा धोखा देते हैं कि क्या ही बोले। लेकिन हाँ ठीक है, कभी आपको डाउट लगे तो ज़रूर आप पूछ लें, किसी से भी पूछ लें कि हाँ भाई ये राइट है नहीं है। बट रोड आपको लिटरली बताऊँ तो अभी तक तो मुझे बहुत ही अच्छा मिला, बहुत झक्कास रोड है एंड पूरा काम 25 हो जाएगा। बस अब यहाँ से मुझे निकलना है सीधे आपको तुतला भवानी वाटरफॉल एंड यहाँ से बस 22 किलोमीटर है। तो थोड़ा अभी फ्यूल ले रहे हैं और यहाँ पे 108 रुपये है। भैया ने बताया कि सीधे पकड़ के जाना है रास्ता, यहाँ से
लगभग आपको 22 किलोमीटर है। अभी रेनकोट पहनेंगे सबसे पहले, उसके बाद कुछ होगा भैया। डेहरी ऑन सोन से रोहतास वाले रोड में जाना है भाई, और वहाँ पे एक आएगा आपको 15 किलोमीटर बाद तिलहोटी, जहाँ से आपको राइट लेना है, गेट मिल जाएगा आपको माता तुतला भवानी टेम्पल का एंड वाटरफॉल का। तो भाई यहाँ से जो व्यू है ना, कसम से कह रहे कितना एक्साइटेड है हम कि क्या ही बोले भाई, मज़ा आ रहा है, बहुत प्यारा व्यू है और बहुत जो आँख से दिख रहा है ना, क्या ही बोले। तो सबसे पहले गाड़ी जो है सो पार्किंग लगाना है, एंड ये एंट्री गेट है भाई। तो फिलहाल गाइस पहुंच चुके हैं तुतला भवानी मंदिर के गेट पे, और यहां से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, या तो आप ऑटो लेके जा सकते हैं, बोला है पार्किंग में गाड़ी लगा दी है तो उन्होंने बोला है कि चलता है यहां से ऑटो, और ऑटो 10 रुपये लेगा, तो आप जा सकते हैं आराम से। लेकिन एक चीज़ बताना भाई, तो सच में व्यू जो है ना अल्टीमेट है भाई, मज़ा ही आ गया देख के। और यहां से प्रवेश करना है, ऑटो वाटो वहां लगी रहती है, शेयरिंग ऑटो, तो उसी से चलते हैं। गाइस शेयरिंग ऑटो से निकल चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है भाई, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये देखो व्यू क्या ही ज़बरदस्त ना, एक तो बारिश हुआ है एंड धुआं धुआं सब, फॉगी फॉगी मौसम हुआ है, तो और भी बढ़िया लग रहा है। तो ये है हमारा बिहार भाई, देख रहे हो। फिलहाल अगर तुतला भवानी मंदिर आते हैं तो यहाँ पे आपको 5 रुपये का जो है तो टिकट लेना पड़ेगा झूला पुल का। भाई साहब ये देखो क्या ही ज़बरदस्त ना, बहुत ही ज़बरदस्त, और बहुत ही मतलब सच में बिहार में ऐसा है, ये अनएक्सपेक्टेड लग रहा है, मुझे भी बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड लग रहा है, लेकिन हाँ सच में ये बिहार ही है भाई। पहाड़ियाँ देखो भाई गजब ज़बरदस्त, मतलब मैं बताऊँ ना तो मैं तो पागल ही हो गया इस जगह का, और क्या ही प्लेस है, चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ। ये देखो दिनों से प्लानिंग चल रहा था मेरा यहाँ आने का, लेकिन सच में लाजवाब भाई। लोग कहते हैं ना कि बिहार में क्या है, ये है वो है, लंद है फंद है देवानंद है, लेकिन बिहार में बहुत कुछ है भाई। धीरे धीरे आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा, एंड अभी एंट्री करते हैं भैया। ये देख रहे हो सच में भाई, मतलब यहाँ से वहाँ तक ट्रैकिंग करने का अलग ही मज़ा है, और उस पर से भी झूला झूला पुल जो है उस पर झूलते हुए जाना वो अलग ही है। तो सबसे पहले पूजा करेंगे एंड आशीर्वाद लेंगे माता से, उसके बाद कहीं जाना है भैया। और इधर लोग काफ़ी नहा वहा रहे हैं, तो वहाँ भी जाना है। झूला पुल जो है लगभग 500 मीटर का है, एंड उसको क्रॉस करके जैसे ही आएंगे ना तो आपको यहाँ पे चप्पल जूता रखना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर में जाना है तो चप्पल जूता रख के जाना होगा। बाकी यहाँ पे जूता रख के और मंदिर में प्रवेश करेंगे, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे वाटरफॉल का नज़ारा लेना है, एंड व्यू जो है ना उसका आनंद लेना है, काफ़ी टाइम तक फोटो सेशन करना है। तो चलिए भैया हम तो चलते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक है चाची, जय माता दी। एंड सच में भाई मुझे तो मतलब बहुत अल्टीमेट लगा कि ये व्यू देखो क्या ही ज़बरदस्त है, मतलब सच बताऊँ नज़र बिल्कुल भी मेरा नहीं हट रहा। और ये जो मतलब इसलिए यूनिक है कि यहाँ का जो मतलब स्ट्रक्चर है ना, एंड जो पत्थर है जो माउंटेन है वो बिल्कुल भी डिफरेंट है, एंड दूसरा जो है सो एकदम वाटरफॉल के एकदम बगल में माता का टेम्पल है। आपको बंदरों से बहुत सावधान रहना पड़ेगा, जय माता दी जय माता दी, क्योंकि अगर प्रसाद लेके आते हैं तो आपका छीना भी जा सकता है। बाकी मैं बहुत पास आ गया हूँ, देखो बहुत पास आ गया हूँ वाटरफॉल के, एंड यहाँ से जो व्यू दिखता है वो देखो ये चीज़ें भैया। बाकी मज़ा तो आपको बहुत आएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा ठंडा ठंडा वाला फील है, तो पानी थोड़ा कम हो गया है। तो यहाँ है माता तुतला भवानी का मंदिर, एंड ऊपर से जल प्रपात्र गिर रहा है, ये देखो, देख रहे हो मंकी को, देख रहे हो। बहुत लोग नहा रहे हैं, बहुत लोग स्नान ध्यान कर रहे हैं, ये देखो, एंड इधर भी बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे स्नान करने से जो दुख बला होता है, रोग वोग होता है वो ख़त्म होता है, एंड ऐसा मानना है। तो हम तो नहाएंगे नहीं, बट थोड़ा सा पानी का छिड़काव जरूर करेंगे कि मेरा भी जो भी परेशानी है वो ख़त्म रहे हमेशा। तो ये चीज़ है, बाकी मज़ा तो बहुत आ रहा है। मतलब एक साइड लेक, ये देखो लेक, ऊपर से झरना, और
यहाँ ठंडी ठंडी हवा, बहुत अलग फीलिंग है भाई। मतलब बयां करना मुश्किल है, आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्लेस है ना, सच में तीन ओर से पहाड़ियों से घिरा है एंड एक ओर से थोड़ा सा मतलब पहाड़ियों से घिरा है बोले तो। यहाँ से पहाड़ियाँ जो होती है स्टार्ट होती है। मैंने बहुत सारे वाटरफॉल देखे हैं झारखंड में एंड उधर नेपाल में, उसके बाद बोले तो हिमाचल में, उत्तराखंड में, लेकिन इसके जैसा इतना प्यारा मतलब पहाड़ का जो व्यू है ना, वो बहुत इम्प्रेस कर रहा है सच में बता रहा। आपको पानी का फ्लो थोड़ा कम दिख रहा होगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि बारिश इस बार बिल्कुल भी नहीं हुआ है एंड बिहार में, खासकर दक्षिण बिहार में तो बिल्कुल भी मतलब ना के बराबर थोड़ा थोड़ा हुआ है। बट एक चीज़ बता रहे हैं कि ये जो फ्लो है ना, ये बारिश के टाइम में इतना भयावह होता है, इतना भयंकर होता है कि क्या ही बोलूं। ऐसा वाटरफॉल तो बहुत ज़बरदस्त है, कुछ लोगों से रिव्यू लेते हैं। कहाँ से हैं भैया? आरा से, आरा जिला। अच्छा, आरा जिला, कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा भैया। आप चारों आरा से हैं? अच्छा अच्छा, अनहित आरा। अच्छा अच्छा, तो पहली बार आए? नहीं, दूसरी बार आए। अच्छा, दूसरी बार आए। अगर आपको तुतला भवानी वाटरफॉल घूमना है तो सबसे पहले आपको पटना आना पड़ेगा। पटना से आप बाई बस आ सकते हैं, बाई कार आ सकते हैं, बाई बाइक आ सकते हैं, या बाई ट्रेन आ सकते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो है टेहरी ऑन सोन एंड वहाँ से आपको पास पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से 25 किलोमीटर समथिंग है। बाकी आपको इसके बाद 40 किलोमीटर के आसपास रोहतास फोर्ट है, वहाँ पर भी आप घूम सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत पुराना किला है भाई और बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे भी। तो इस प्यारे से नज़ारे के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे बिहार सीरीज के अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।